इसी को मिलेंगे। अब बना रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को डीसी में, एसी को करेगा डीसी में कन्वर्ट। और फुल वेव का मतलब होता है कि हमें जो एसी रहती है एसी इस टाइप से रहती है, तो इसमें हमें एसी के दोनों चक्र मिलते हैं प्लस बी और माइनस बी। इससे पहले हमने हाफ वेव बनाया था, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया था हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया था। उसमें क्या करता था वो रेक्टिफायर, हाफ वेव करता था, मतलब जो एसी रहती थी उसमें हमें एसी का सिर्फ प्लस चक्र प्राप्त होता था, माइनस प्राप्त नहीं होता था। मतलब वोल्टेज क्या हो जाता था, हमें कम प्राप्त होता था, ठीक है। जो वोल्टेज रहेगा वो क्या हो जाता है इसमें, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसमें हमारी जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स रहता है पूरा की पूरी हमें वेव प्राप्त होती है, प्लस भी प्राप्त होता है माइनस, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव और इसको बोलते थे हाफ वेव। हाफ वेव मतलब आधा करंट मिलता था हमें, एसी जो रहती है एसी में प्लस रहता है और माइनस रहता है, मतलब प्लस चक्र रहता है और माइनस चक्र रहता है। तो हाफ वेव में हमें सिर्फ प्लस चक्र मिलता था, कौन सा चक्र मिलता था, प्लस, माइनस नहीं मिलता। लेकिन फुल वेव में हमें पूरी एसी करंट मिलती है, प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा। तो जो सिंपल सा हमें पता है दिख ही रहा है कि इसमें हमें प्लस मिल रहा है माइनस नहीं मिल रहा है, और इसमें प्लस और माइनस, तो बेटर रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर से बेटर रहता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर को बनाते कैसे, देखो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मैंने बताया था, तीन वायर इस तरफ है, दो वायर इस तरफ है, यहाँ से इनपुट देते हैं और यहाँ से आउटपुट लेते हैं। सेंटर टैप का मतलब होता है यहाँ पे हमें 4 वोल्ट का है तो हमें यहाँ पे वोल्टेज को डिवाइड कर देता है, ये कॉमन रहता है, वोल्टेज को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। अगर ये 4 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जो कि है 4 वोल्ट का, तो इसको हमें यहाँ पे 2 वोल्ट मिलेगा। अगर हम दो वायर को यूज करेंगे तो 2 वोल्ट मिल जाएगा, अगर इस वाले को छोड़ दे इस वाले को यूज करें तो 2 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब 4 वोल्ट को आधा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, अगर हमें 4 वोल्ट का आधा वोल्ट चाहिए तो हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगर ये 6 का होता, अगर 6 का ले आते तो हमें 3 वोल्ट इस तरफ मिल जाता, 3 वोल्ट इस तरफ मिल जाता। अगर 9 वोल्ट होता तो 4.5 वोल्ट यहाँ पे, 4.5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाता। तो सेंटर टैप सिर्फ यही करता है कि वोल्टेज को आधा कर देता है, जो जो हमारा सेंटर टैप जो ट्रांसफार्मर रहता है जो जितने वोल्ट का रहता है उसका जस्ट डिवाइड कर देता है वोल्टेज को। ये 4 वोल्ट का है तो सेंटर टैप के लिए मैं बना रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर का सिम्बॉल है। ITI पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सब में रेक्टिफायर का यूज होता है, और रेक्टिफायर एक प्रैक्टिकल के तौर में भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से वीडियो बना रहे हैं हम लोग, लाइक ज़रूर कर लेना यहाँ पर। ये हमारा यहाँ से इनपुट और यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट में 3 वायर है, ये वाल्व कहलाता है सेंटर, सेंटर टैप, ये कौन सा सेंटर टैप जिसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है। ये हमारा सेंटर टैप होगा, ये इनपुट होगा, ये सेंटर टैप वायर होगा, ये दो फेस के वायर होगा, ठीक है। हमें कौन सा ट्रांसफार्मर बनाना है, सॉरी कौन सा रेक्टिफायर बनाना है, फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी कन्वर्ट करता है, सबको पता है। तो अब इसमें करते क्या है, देखो इसके लिए अगर हम सामग्री की बात करें तो डायोड लगेंगे, इसमें दो डायोड लगाते हैं, दो डायोड लगेंगे IN 4700 जो कि कॉमन नंबर है, ज़्यादातर यूज करते हैं हम 4700 क्योंकि ये अधिक वोल्टेज पे काम कर सकता है। डायोड लगेंगे, उसके बाद हम LED लगाएंगे आउटपुट के लिए, LED हमें आउटपुट बताएगी, और उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद क्या लगेंगे ट्रांसफार्मर। मतलब अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं, डायोड है, LED है और ट्रांसफार्मर, तो आप फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हो। तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, ये ट्रांसफार्मर, ये 3 वायर, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3। दो डायोड का यूज करेंगे, दो डायोड है हमारे पास, दो डायोड है, सिल्वर पट्टी माइनस और ये हमारा प्लस रहता है, सिल्वर पट्टी रहती है वो माइनस रहती है, ये माइनस ये प्लस। अगर इसको मैं इस तरह से रख दूं, मतलब सिल्वर पट्टी इस तरफ रहे, ये सिल्वर पट्टी है, ये माइनस ये प्लस, एक डायोड को ऊपर वाले वायर पे
और एक डायोड को उसी तरह नीचे वाले भाग पे, माइनस यहाँ पर है नीचे, ठीक है, इस तरह से रखते हैं कि सिल्वर पट्टी इस साइड होनी चाहिए, सिल्वर पट्टी इस साइड है, दूसरा रखा सिल्वर पट्टी इस साइड है, ये पहले ऊपर वाले वायर पे लगा दिया वायर नंबर फर्स्ट पे, ये वायर नंबर थ्री पे, वायर नंबर फर्स्ट और वायर नंबर थ्री को कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और ये हमारा रहता है ओम, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डायोड लगाया और ये डायोड इन दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया, एक वायर निकाला जो कि काम करेगा प्लस का और ये हमारा माइनस का काम करेगा। यहाँ पे हम लगाएंगे एलईडी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एलईडी का प्लस और यहाँ पे एलईडी का माइनस, ये हमारा एलईडी है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, पहले क्या करूँ बनाने के लिए, देखिए दो रेक्टिफायर, दो सॉरी डायोड है IN4007, इनकी सिल्वर पट्टी को इस तरह रखा, सिल्वर पट्टी को ऐसे रखा, रख लिया सिल्वर पट्टी को, सिल्वर पट्टी इसकी सिल्वर पट्टी और इसकी सिल्वर पट्टी को ऐसे रखा और इसको एक सिल्वर पट्टी जोड़ दिया, ये एक का प्लस और एक का प्लस। अब इसको क्या करना है हमें, एक नीचे वाले वायर पे मतलब थर्ड नंबर वायर पे, एक थर्ड नंबर वायर पे और एक फर्स्ट नंबर वायर पर जोड़ दिया, एक जोड़ दिया हमने फर्स्ट नंबर वायर, ठीक है, हाँ ठीक है, ये बन गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर जो हमारा बना है इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। पहले क्या किया हमने, जो डायोड थे डायोड के जो सिल्वर पट्टी उनको क्या कर लिया, कॉमन वायर को एमेंड लिया, इसके प्लस को ऊपर वाले वायर पे और दूसरे डायोड के प्लस को नीचे वाले मतलब तीसरे नंबर वायर पे, पहले नंबर वायर तीसरे नंबर वायर और ये बीच वाला क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ये जो रेक्टिफायर बना है इसको बोलते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। अब चेक करते हैं इसके आउटपुट को, ये हमारे पास एलईडी है, एलईडी में प्लस बड़ा वाला ये रखा है, ये बड़ा वाला है प्लस, ये है माइनस। अब चेक करते हैं हम इसको, प्लस को प्लस से लगाते हैं, माइनस को माइनस से, प्लस हमें यहाँ पे मिलेगा, माइनस हमारा कॉमन रहेगा, ये प्लस और ये सॉरी ये खराब एलईडी है, ये वाली एलईडी लेता हूँ मैं, ये प्लस ए माइनस, प्लस माइनस, ठीक है चालू है, ये बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अगर मैं इसको जस्ट डायरेक्शन पलटा दूँ, ये माइनस को इससे जोड़ दूँ, माइनस को इससे जोड़ दूँ और प्लस को इससे, तो ये चालू नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमें डीसी मिल रहा है, ये नहीं मिलेगी क्योंकि हमने डायरेक्शन को बदल दिया, माइनस को किससे जोड़ रहे हैं प्लस से और प्लस को किससे जोड़ दिया माइनस से, तो एलईडी नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि जो करंट हमें प्राप्त हो रहा है वो डीसी करंट है। अगर मैं जस्ट इसको पलटा दूँ, इसको प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से, ये प्लस और ये माइनस, ये फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे बना सकते हैं। इसका यूज भी जो फुल वेव रेक्टिफायर है, जैसे हाफ वेव की बात कर रहे थे हम, वहाँ पे यूज कर सकते हैं, बैटरी चार्जर के लिए, मोबाइल चार्जर बनाने के लिए या डीसी पावर सप्लाई बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें डीसी कंपोनेंट चलाना, रेडियो चला सकते हैं, हम घड़ी भी चला सकते हैं इससे पावर सप्लाई बना के, उसके बाद अगर 1.5 की हम पावर सप्लाई बना तो घड़ी भी चल जाएगी हमारा, रेडियो चल जाएगा, मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। एलईडी लाइट बनाते हैं उसमें भी रेक्टिफायर लगता है, सीएफएल बल्ब रहता है उसमें भी रेक्टिफायर लगता है, तो हर जगह रेक्टिफायर का सबसे विशेष महत्व है, बिना रेक्टिफायर के कोई भी पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं बनती। तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, एक बार मैं फिर से बता दूँ कैसे बनाया, देखिए सिंपल सा, देखो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड की जरूरत होती है, कितने डायोड लगते हैं फुल वेव में, दो डायोड, एक ट्रांसफार्मर है और इसका आउटपुट लेने के लिए एक एलईडी का यूज कर रहे हैं, तीन कंपोनेंट है हमारे पास, ट्रांसफार्मर है, डायोड है
एलईडी है, फुल वेव रेक्टिफायर इस वो वाले ट्रांसफार्मर में बनाते हैं हम जिसमें सेंटर टैब रहता है। फुल वेव रेक्टिफायर सिर्फ उसी ट्रांजिस्टर में लगता है जिसमें सेंटर टैब होता है, मतलब तीन वायर एक तरफ रहते हैं और दो वायर एक तरफ, डबल वाले में फुल वेव रेक्टिफायर नहीं लगता। ठीक है, आ रहा है समझ में? जो फुल वेव रेक्टिफायर है ओनली किस में लगता है? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगता है, इस वाले ट्रांसफार्मर जिस तरफ जिसमें तीन वायर एक तरफ रहते हैं और दो वायर एक तरफ रहते हैं उसी में फुल वेव लगता है, नहीं तो फुल वेव नहीं लगता। तो फुल वेव बनाने के लिए हमें चाहिए दो डायोड, ये डायोड लिया हमने, ये डायोड लिया, सिंपल सा काम करना है हमें। डायोड की सिल्वर पट्टी देखनी है, इसकी सिल्वर पट्टी और इस वाले डायोड की सिल्वर पट्टी, दोनों को एक पे रखना है ऐसे करके, और उसको क्या करना है? ओहो, डायोड निकालो, डायोड टूट गया। ठीक है, ये डायोड है हमारे दो, इस सिल्वर पट्टी को रखा, इस सिल्वर पट्टी को रखा हमने, और इसको क्या कर दिया यहाँ पे, ये जोड़ दिया। ठीक, ये बन गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर लगाते कहाँ से? अगर इसको काउंट करें हम तो ये हमारा वायर नंबर फर्स्ट, वायर नंबर सेकेंड और वायर नंबर थर्ड। एक को ये जो प्लस है हमारे डायोड का, एक को लगाना है वायर नंबर फर्स्ट पे और एक को लगाना है वायर नंबर थर्ड पे, मतलब सफ़ेद पे, एक सफ़ेद पे ये लगेगा, एक वाइट पे ये लगेगा, और ब्लैक वाले को क्या करना है? कॉमन छोड़ना है। लगाते हैं, ये लगा दिया मैंने इसको एक पे और ये लगा दिया। यहाँ पे ठीक है, ये बन गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। इसको कॉमन छोड़ देते हैं, ये माइनस का काम करता है और ये प्लस का काम करता है। एलईडी है हमारे पास, एलईडी में प्लस, एलईडी में माइनस। अब चेक करते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं रेक्टिफायर। ठीक है, एलईडी कर रहा है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डीसी आ रही है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलईडी को पलटाएंगे। अगर एलईडी पलटाने में नहीं जल रही, मतलब इसका है कि यहाँ पे डीसी आ रही है। अब माइनस को इस साइड लगा दिया मैंने, प्लस को इस साइड लगाया, ये नहीं जलेगी, मतलब यहाँ पे हमें डीसी करंट मिल रहा है। तो ऐसे बनाते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक्स, काटो।